नमस्कार, टीटी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं ज्योति। गुरुवार को हुए भाजपा के द्वारा धरना प्रदर्शन को लेकर अब जदयू जो है लगातार हमलावर दिख रही है। जदयू के प्रवक्ता यानी नीरज कुमार ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता और मंत्री कितने निष्ठुर है ये साफ प्रतीत होता है। एक तरफ जहाँ उनकी कार्यकर्ता की मौत हो जाती है, यानी विजय सिंह की जो मौत हुई है, वो उनसे मिलने ना पहुंचकर बल्कि वो पटना में घूमते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले तो भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जो भी इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, उनको सबसे पहले विजय कुमार सिंह के घर पहुंचना चाहिए था, उनके परिवार को संवेदनाएं देनी चाहिए था, लेकिन वो सारी चीज़ों को छोड़कर, मानवता को छोड़कर वो राजनीति में इतने मशगूल हो गए हैं कि शायद उनकी मानवता भी नहीं दिख रही है और वो पटना में सड़क सड़क घूम कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों के साथ संवेदनाएँ दिखाने के वजह वो राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि नीरज कुमार क्या कुछ भाजपा को लेकर अपनी बातें सामने रख रहे हैं। टीम भेजा था जो कार्यकर्ता के प्रति असहिष्णु हो, भाजपा के कार्यकर्ता विजय सिंह जी का घटना स्थल पर नहीं, तमाम साक्ष्य उपलब्ध हैं, वीडियो फुटेज उपलब्ध है, उनकी दुखद मौत हो गई, लेकिन भाजपा की राष्ट्रीय टीम को चिंता थी कि मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस कार्यकर्ता के घर पर पहले जाना इनकी प्राथमिकता नहीं। यह बताता है कि ये कितने संवेदनहीन और निष्ठुर लोग हैं, राजनीति में अपने कार्यकर्ता की भावना का भी सम्मान नहीं करते। पटना से 50 किलोमीटर दूर वह जाना आपको मंजूर नहीं हुआ, उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस, और आप चुनौती दे रहे हैं। अरे आपके आका जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार में सहिष्णुता का माहौल है, 2015 में आपकी हर राजनीतिक चुनौती का हमने जवाब दिया है, आपको सर राजनीति में जमींदोज किया है, और पाप आपने किया। आप बताइए क्या यह सच है कि मिर्चा डाला गया है पुलिस कर्मियों पर? क्या बिहार के पुलिस कर्मी, चाहे वो महिला वो पुरुष हो, क्या उनके प्रति इतने सहिष्णु हो गया कि पत्थर चला रहे हैं, मिर्चा फेंक रहे हैं, और इसके तमाम वीडियो फुटेज उपलब्ध हैं? और जांच इस बात का करते ना कि भाजपा कार्यकर्ता विजय सिंह जी, जिनकी दुखद मौत हो गई, भाजपा विधायक का मालिकाना हक है, तारा हॉस्पिटल आप क्यों नहीं गए, क्यों नहीं उनका इलाज हुआ, और उनको आपने PMCH भेज दिया, तो गुनाहगार तो भाजपा खुद है विजय सिंह जी की दुखद मौत का। इसलिए राजनीति में मीडिया ट्रायल से बेहतर होगा अपने गुनाह को कबूल करिए। देखिए, नीरज कुमार गुप्ता ने सीधा भाजपा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस तरीके से भाजपा अपनी राजनीति में मशगूल हो गई है, शायद राजनीति में इतनी वो मग्न हो गई है कि मानवता है कहाँ उनकी अहमियत है, शायद वो भूल गई है। जिस तरीके से विजय सिंह की मौत हुई और जिसको लेकर लगातार भाजपा जो है महागठबंधन सरकार पर निशाना साध रही और ये कह रही है कि पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर उनकी मौत हुई है, लेकिन जो उनके ही मंत्री थे, जो साथ में विजय कुमार सिंह के जो साथ थे, उन्होंने साफ बयान दे दिया था कि विजय सिंह तो पहुंच ही नहीं पाए थे धरना स्थल पर, तो फिर ये भाजपा के द्वारा ऐसे आरोप लगाना बेबुनियाद है। लेकिन जहां तक बात उनकी मौत हुई है, हम भी संवेदनाएँ उनके परिवार के साथ व्यक्त करते हैं, लेकिन जिस तरीके से भाजपा भी राजनीति कर रही है, उसको छोड़कर उनके परिवार के साथ उनको जाना चाहिए, और जो भी जांच पड़ताल कर रही है, सबसे पहले उनके घर से जाके मिलना चाहिए, उसके बाद आगे की जांच पड़ताल बढ़ानी चाहिए। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर नीरज कुमार भाजपा पर जमकर बोलते दिखे हैं। फिलहाल इसको लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करें।